उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने का माहौल बनाया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा भयमुक्त समाज, महिला सुरक्षा, अपराधियों पर अंकुश व सभी को एक रूप से देखने को लेकर चुनाव लड़ रही है। कानून बनाते समय या विकास कार्य करते समय किसी एक विशेष समुदाय को साधने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उस कानून व विकास कार्य का सभी वर्ग समुदाय को लाभ मिल सके, इसे ध्यान में रखकर कार्य किया है। श्री चौहान ने उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रस्तुत करने पर कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोबर खरीदी के एक पक्ष को लोगों के सामने रखा है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदकर सरकार खाद बनाने के बाद किसानों पर दबाव बना रही है कि 8 रुपए किलो के हिसाब से खाद खरीदोगे तभी तुम्हें यूरिया खाद मिलेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यूपी के चुनाव भयमुक्त के आधार पर लड़ रही है, विकास जो किया है उसके आधार पर लड़ रही है, जो संरक्षण दिया है महिलाओं को उसके आधार पर लड़ रही है, जो अपराधियों को उन्होंने दंड दिया है उस आधार पर लड़ रही है, जो क्राइम कम किया है उस आधार पर लड़ रही है, जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की है उसके आधार पर लड़ रही है, और जो संसाधन है वो सभी के काम आ रहे हैं, वहां की रोड, पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षा के जो व्यवस्था है, वो संसाधन जो सभी के लिए एक रूप के लिए सबको काम आ रहे हैं उसके आधार पर लड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विपक्ष इसमें ये बोलता है कि धन की राजनीति कर रहा है या ये वो राजनीति करता है, तो मैं उनसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जो भी विकास हुआ है क्या वो एक विशेष समुदाय के लिए हुआ है या पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हुआ है? जो कानून बनाए गए हैं, जो विकास किया गया है, वो सबके लिए किया गया है, वो सिर्फ एक कोई विशेष समुदाय को साधने के लिए नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का वो एक मॉडल बताया गया है, गोधन न्याय योजना की बात की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने सब चीजें नहीं बताई। उनको उन्होंने ये जरूर बताया कि 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया कि 8 रुपए में उसको वर्मी कंपोस्ट खाद करके उसी किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो खरीदे, तब जाके यूरिया उनको मिलेगा। और सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकारी संस्थानों में उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि वो गोबर खरीदे, जबकि कुछ कुछ लोग, सरकारी लोग वहां पर जाते हैं, जो पैसा छोड़ के आ जाते हैं लेकिन गोबर खरीद के नहीं आते, गोबर उठा के नहीं लाते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए 2-2 हजार रुपए एक एक स्कूल में बोला गया है कि 2 हजार रुपए का आपको गोबर खरीदना जरूरी है। तो ये कहां की जवाबदारी है? या ये मॉडल आप उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं या दूसरे जगह देना चाहते हैं? आप पहले पूरा बता दीजिए कि ये मॉडल है, उसके बाद स्वतः ही जनता को ये डिसाइड करने दीजिए।